एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 1 खुद ही देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल एट पी एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। तो देखते हैं फिगर पहले। ठीक है, इसने कहा कि पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, हम इस तरीके से बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाह रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल जो पी क्यू आर हम राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दिखा सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पी से परपेंडिकुलर है एम पे। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, तो ये इसको दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगल टू इट्स हाइपोटेनियस, ठीक है, डिवाइड्स इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इट मीन्स दो सिमिलर ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल क्यू एम पी सिमिलर ट्राइंगल पी एम आर। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर कह सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, 2 आप खुद इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन कहता है, ए बी सी इज एन एसोसियस ट्राइंगल राइट एंगल डेट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो राइट एंगल टू ट्राइंगल भी है, आइसोसेलस भी है, तो कुछ इस तरह से भी दिखा देते हैं हम। ठीक है, तो एट सी पे है तो इसको ए बी सी कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, होता है, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और बी सी यहाँ पर क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो मैं इस बी सी की जगह भी ए सी स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। ठीक है, इतना ही हमको इसमें चाहिए था। आप यहाँ पे कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत खास नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आप खुद देखिएगा, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा हमने उससे पहले बनाया था ऊपर वाला, उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका ही अपोजिट रहेगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है इसने, तो आप वहाँ पे 2AC स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख देंगे, और ए सी इक्वल टू बी सी है, तो वहाँ से वो बात बन जाएगी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो पहले समझें क्या कहना चाह रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं एक। ठीक है, तो मान के चलते हैं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर कोई इसके ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो इसको डी मान लेते हैं, जहाँ कहीं से भी हम किसी वर्टेक्स से भी एल्टीट्यूड बनाएं उसके लिए तो सेम रहेगी। ठीक है, तो ए डी हम चाहते हैं यहाँ पे, ए डी हम निकालना है, और साइड 2A है, और मे भी जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको इक्वल साइड में डिवाइड कर देता है, तो ये पूरा 2A होगा और AA बन जाएगा। ठीक है, पूरा 2A। तो आपको AD निकालना है, तो नाउ कम टू ट्राइंगल ABD।
क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हमको निकालना है, तो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो इट विल बिकम ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू रूट 3a। तो जो एल्टीट्यूड की जो एल्टीट्यूड होगा कितना होगा, रूट 3 into a। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।